आप सब ना एयरफोर्स के टेस्ट को पास करने की कोशिश कर रहे हो, जिसमें आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पिछले बैच में भी थे, आपको नहीं पता होगा मैं बता रही हूँ, उससे पिछले बैच में भी थे और अब इस बैच में भी हैं। क्योंकि मैं मना नहीं करती हूँ अच्छे बच्चे को, कितने ही बार आओ भाई क्लास लगाओ, कार्ड खत्म हो गया नहीं हो गया, बच्चा अच्छा होना चाहिए उसको बैच में मैं एंट्री दूंगी। पिछले दो बैचेस से बच्चे आज तीसरा बैच लगा रहे हैं, कई कई महीने हो गए होंगे उनका कार्ड खत्म हुए फिर भी। अब एक तो ये बच्चा है जो ऐसे 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 लगा हुआ है, एक आप हो जो कोचिंग संस्था पे आए हो, माँ बाप ने फीस भरी है। अभी एक लड़की का यूपीएससी के रिजल्ट्स आए, पता है तुम्हें, सुनते हो ऐसी चीजें? उन रिजल्ट्स में एक लड़की है दिव्या तवर, महेंद्रगढ़ से, सुना है? महेंद्रगढ़ की लड़की है, लड़की का नाम है दिव्या तवर। पहले अटेम्प्ट में 438वां रैंक उसका आया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है वो एक भी दिन घर से बाहर नहीं निकली है, यानी कि उसने कहीं पे कोचिंग नहीं ली है, कोई संस्था उसने ज्वाइन नहीं करी है, कहीं किसी अध्यापक को उसने फीस नहीं भरी है और कहीं कोई लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं करी है। आजकल के बच्चों ने लाइब्रेरी को ट्रेंड बना रखा है, संस्थाओं के ऊपर पूरा का पूरा वो कर रखा है कि यही है, नाश करेंगे तो भी यही है, बढ़ाएंगे तो भी यही है, यही है, सच्चाई बता रही हूं मैं तुम्हें। तो उस लड़की की बातें तुम सुन लो, फादर उसके है नहीं, मम्मी उसकी मजदूरी करती है और उसको घर में पढ़ने के लिए अलग से कमरा भी नहीं है, अलग से कमरा भी नहीं है और उसने लाइब्रेरी भी ज्वाइन नहीं करी थी। एक ही कमरा है जिसमें मम्मी भी है, दो बहनें हैं और एक भाई है, चार लोग रहते हैं, इसका 1/4 कमरा है, जिस हॉल में तुम बैठे हो इसका 1/4 भी कहना गलत होगा, 1/6 इस कमरे का छठा भाग मान लो आप, उतना सा कमरा है, मतलब 6/6 का था या 8/ ऐसा कुछ डायमेंशन भी आई हुई है वहां पे। उस लड़की का घर दिखाया भी जा रहा है लोगों को कि भाई तुम तो खोट निकालते हो अध्यापक में, तुम खोट निकालते हो संस्था में, तुम खोट निकालते हो किताबों में, तुम खोट निकालते हो लाइब्रेरी में, तुम खोट निकालते हो अपने माँ बाप में, सुविधाएं नहीं दी, कुर्सी टेबल नहीं दिया, धरती पे बैठ के पढ़ती है वो लड़की और घंटों घंटों तक पढ़ती है, कमर लगा के बैठने की कुर्सी नहीं है उसके पास। यहाँ पे मैंने ये कमर वाले बेंच लगवाए थे बच्चों की शिकायतों के बाद, मैम 4 घंटे में कमर अकड़ जाती है, मेरे को तो बीमारी होने वाली है कमर की, नहीं तो मेरे भी यहाँ नॉर्मल बेंच होते थे, ये बाद में मैंने इनके एंगल लगवा लगवा के बैक्स लगवाई, पूरी संस्था पे ऐसे कमरे सॉरी ऐसे बेंचेस हैं अब, लेकिन पहले नॉर्मल वाले होते थे। अब एक तो वो बच्चा है और एक ये बच्ची है। अब इस कहानी से तुमको क्या सिखा रही हूँ मैं, करने वाले तुम ही हो और ना करने वाले भी तुम ही हो, ना संस्था कुछ कर सकती है, ना लाइब्रेरी कर सकती है, ना टीचर में कोई बात है, जब तक आपके खुद के अंदर जुनून नहीं है ना बेटा, बाहर वाली चीजें कुछ नहीं कर सकती। माँ उसकी अनपढ़ है, रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं, पढ़ाने समझाने वाला कोई नहीं, एक ही हथियार था जिसपे तुम कोड लगा के रखते हो, अभी समझा रही थी मैं, फोन, यूट्यूब की मदद से नोट्स पता करे, टॉपर्स की कहानियां सुनी, जिन्होंने टेस्ट पास किया था उनसे सीखा, उन्होंने जो किताब दी वो निकाल के पढ़ी, उन्होंने जो रास्ता सुझाया उस तरीके से पढ़ा और पहले ही अटेम्प्ट में आईपीएस लग गई है, आईपीएस की ज्वाइनिंग होनी है उसकी अब सीधी पहले ही अटेम्प्ट में, और हम सब क्या पास करने में डर रहे हैं, वो भी कोचिंग होने के बावजूद, लाइब्रेरियां होने के बावजूद, टीचर्स होने के बावजूद, तो कमी किस में होती है बेटा, एक सिंपल से एग्जाम्पल से खुद सोचने और समझने की बात है। उसके घर में कोई इनकम का सोर्स नहीं था, इनको शायद वो भी चली जाती दिल्ली विल्ली कोचिंग लेने, नहीं जा पाई क्योंकि माँ घर का ही पेट मुश्किल से भर पा रही है, दिन में 7 घंटे की मिनिमम सिटिंग लगाई है उसने बिना किसी कमर का सहारा लिए, 7 घंटे लगातार पढ़ना और पेपर से पहले 10 से 11 घंटे तक लगातार की पढ़ाई उसने करी है। और टॉपर्स की तो दुनिया बात कर रही है, श्रुति शर्मा जिसकी रैंक बनाई है सब उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन असली टॉपर ऐसे बच्चे होते हैं जो बिना संसाधन के सिर्फ अपनी मेहनत के दम पे इतनी बड़ी चीजें करते हैं। तो वो श्रुति शर्मा फर्स्ट इसलिए आई, उसका भी कारण है। अब ये लड़की गांव में पली बड़ी है, जो दिव्या लड़की है इसकी परवरिश कहाँ हुई है, गांव में, सरकारी स्कूल में पढ़ाई करी है, माँ बाप पढ़े लिखे हैं नहीं, और जो श्रुति शर्मा रैंक 1 आया है दिल्ली में पढ़ाई करी है उसने, तो एनवायरमेंट बहुत बड़ा होता है बेटा, बिना एनवायरमेंट के जिसने अपने आप को कुछ बनाया है उसने मेहनत वाकई में ही करी है। मैं ये नहीं कह रही जो फर्स्ट आई है उसने कुछ नहीं करा, लेकिन उसके पास सब कुछ था, एनवायरमेंट था, वातावरण था, जैसे वातावरण में रहते हो वैसी तो सोच बनती है। तुम्हारी सरकारी नौकरी की सोच इसलिए है क्योंकि तुम्हारे घरों में वातावरण है, अगर तुम्हारे घर में बिजनेस का वातावरण हो तो तुम क्या करने की सोचोगे, बिजनेस करने की सोचोगे। घर में डॉक्टर होते हैं तो बच्चा क्या बनने की सोच रहा होता है, डॉक्टर बनने की। तो इट्स ऑल अबाउट एनवायरमेंट। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करिए, टॉप 4 रैंकर्स में से 2 ने,
तो उन्हें वहाँ एनवायरनमेंट मिला है, फैसिलिटीज मिली हैं, उनकी अपब्रिंगिंग, विचार जो है वो उस हिसाब से बने हैं, ढले हैं। और वो लड़की गांव में जब करी है ना, मैं तो उसको असली टॉपर मानती हूँ।